साथी अपना दुख सुख जीवन एक दूजे के नाम हुआ है। अगर तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे जकड़ ना लिया होता ना चौधरी सरफराज, तो पता नहीं इस वक्त मैं कहाँ होता, कम से कम यहां बिल्कुल ना होता। बात यह है सलमान भाई, शायद तुम्हें बुरा लगे, लेकिन जिन लोगों की मां नहीं होती ना, उन्हें राज राज के प्यार करने वाला कोई नहीं होता, दब दब के खिलाने वाला कोई नहीं होता। उनका भांडा तो खाली होता है मोहब्बत से, और जिसके पास देने को कुछ ना हो वो तो खुद मांगता हुआ ना। तुम यकीनन बहुत खुश नसीब हो, खासकर मोहब्बत के मामले में चौधरी। फिर चौधरी, खाली सरफराज, मैं आपसे हर तरह छोटा हूं, मैं भूल जाता हूं। मास्टर जी आए थे, कहने लगे भी अब सलमान तगड़ा हो गया है, उसे वापस जाने की इजाजत दे दो। मैंने कहा मास्टर जी, जब हम लोग कब्जा गासमाना कर लेते हैं ना, तो फिर लोग सारी सारी जिंदगी मुकदमे लड़ते हैं, हम जमीनें वापस नहीं करते। तीन तीन पुश्तें मुकदमे लड़ती हैं, होता कुछ नहीं उनका। मैं बड़ी मिन्नत समाजत से तुमसे इजाजत लेने वाला था, अब्बा के पास ना सही, मुझे लाहौर ही जाने दो, कन्वोकेशन करीब है। बस ये निकाह का डंडा गुजर जाने दे, फिर इकट्ठे चलेंगे, मैं आप और मास्टर जी। तुम्हारी मेहरबानियों का कैसे शुक्रिया अदा करूं, अगर तुम्हें मेरी जान की भी जरूरत होती तो दरेग ना करता, खुशी से वार देता। यही तो मुश्किल है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी जान की नहीं। मेरी बाँ नहीं है ना, अगर भाइयों की जोड़ी ना हो तो काम नहीं बनता, चौधरी मजबूत नहीं होता, उसे किसी पर एतमाद नहीं होता। मैं इस एतमाद के काबिल नहीं सरफराज, मैं इस एतमाद पर पूरा नहीं उतर सकता। ऐसे ही चाचा अब्दुल गफ्फार कहा करता था अब्बा से, पर जब से चाचा अब्दुल गफ्फार लापता हुआ है तो खुलकर हंसा ही नहीं, हंसे तो रो पड़ता है एकदम। भाई कहां भूलता है चौधरी को। ये अपना शादाब नहीं है, आओ मिलते हैं।
लिए कोई पानी वगैरह का इंतजाम करो। बस चौधरी जी, बैटरी चार्ज करवाने जा रहे हैं। हजरत मैं समझा नहीं। जब बहुत अरसा इल्म देते देते लोगों को रोशनी बांटते बांटते अपने अंदर का अंधेरा बढ़ जाता है तो फिर उम्रा करने जाना पड़ता है। जिस तरह दौलत के बगैर इंसान सखी नहीं हो सकता, मोहब्बत करवाए बगैर मोहब्बत कर नहीं सकता और इल्म हासिल किए बगैर इल्म बांट नहीं सकता। ओ हजरत, मैं आपसे ये अर्ज करने आया था कि आपके सरफराज का अकद है, उसमें तो आप शिरकत कर लेते, दुआ बरकत के लिए। यहां से वहां दुआ बेहतर होगी। हम गिड़गिड़ा के दुआ मांगेंगे चौधरी सरफराज के लिए। एक बार ही टंटा खत्म हो जाता तो अच्छा था, लेकिन उसकी माँ को तो चा चढ़ा, कभी मंगनी, कभी निकाह, कभी रुखसती, वो सुनती नहीं है किसी की। नाजो का भाई आ जाता तो अच्छा था। आप फिक्र क्यों करते हैं चौधरी जी? रास्ते की मुश्किलात से घबराया नहीं करते। निकाह भी हो जाएगा और रुखसती भी हो जाएगी। वो डॉक्टर शदाब अभी तक नहीं आया, उसको तो खट्टी कमाइयों की पड़ी। बाप की जमीनों में कल्लर ने सर निकाल लिया है, वो डॉक्टरी करता फिरता है। आ जाएगा, भाई भी आ जाएगा। आप फिक्र क्यों करते हैं? फिक्र ये है हजरत, निकाह के बाद बात कुछ बस में नहीं रहती, रिश्तों का कुछ ठीक नहीं रहता। अब मैं शायद समझा नहीं सका। मेरा मतलब है हजरत के देर तक निकाह रहे तो कहीं से आकर बदबू लग जाती है। समझ गया चौधरी साहब। जहां जहां मोहब्बत होती है जनाबे वाला, वहां तीसरा जरूर होता है। ये तीसरा मोहब्बत में कैटलिस्ट का काम देता है, पारस पत्थर हुआ करता है। दामाद बहू में सास, आशिक महबूब में रकीब, भाइयों में भावजा। आप समझते हैं ना? जी जी, वो मैं समझ गया। शायद वो अंसर जिससे हृदय अमल को तेजी बख्शी जाए। हजरत 10वीं तक साइंस पढ़ी है मैंने। खूब। मोहब्बत के झूठ सच परखने के लिए, नुक्ताए बर्दाश्त तक पहुंचने के लिए, अपनी बिसात को समझ लेने के बाद कहीं से तीसरा टपकता है। अल्लाह मियां के काम है, हम तो दूसरे का बोझ बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो मालिक एक तीसरा ला खड़ा करता है। उसकी मर्जी। हम कौन इबलीस और अल्लाह के दरमियान, हम कौन भला चौधरी जी? भाई वो पानी नहीं लाए अभी अब्दुल रहमान, तो ये सब उसके काम है। खोल दी।
मैंने तो लाहौर से फैक्स भी दिलवाई थी। बस अल्लाह साईं का शुक्र है, तू आ गया डॉक्टर, अब गज वज के ब्याह होएगा। बस एक बात का अफसोस है ताया जी। किस बात का? मुझे बुलाने की भला क्या जरूरत थी, मुझे तो आपके सारे फैसले हमेशा मंजूर रहे हैं। मेरे बगैर रुख्सती भला होती थी? आप खुद अपनी भतीजी को रुख्सत करते हमारी तरफ से खड़े होकर। सुना आपने? सुना, मैंने तो 100 बार ही इनसे कहा कि शदाब जो है वो बुजुर्गों के आगे नहीं बोल सकता, जो आपकी मर्जी वही शदाब की मर्जी। भी आप नाजो के ताया है, कोई गैर तो नहीं? फिर भी अच्छा किया तुम आ गए यार। बिल्कुल, बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए। और काका, इस वक्त मैं बड़ी खुशी में हूँ, और मेरे घर का जी बढ़ रहा है। मैं भला पेके घर के दुख को कैसे समझ सकता हूँ। माँ जो गई, अरे नाजो को अपनी हत्थी डोली में बिठाना, उसके आंसू साफ करना, खुद भी रोना और हमें भी रोना। अब्बा उल्टी बात, नाजो क्यों रोएगी? परिंदे भी अपना पिंजरा याद रखते हैं मूर्खा। और पूरे 21-22 साल जिस कंध और जिस दरवाजे को प्यार भरी नजरों से देखा हो, वो पला भूलती? पूछ अपनी माँ से। ले बे चौधरी, मुझे तो वो दिए का ताक नहीं भूलता। पुत्र शदाब, हमारे वेड़े में ना बवर्ची खाना था, और उसके सज्जे पासे एक कोड़ी नीम का दरख्त था, और उसके बीच में एक ताक था जिसमें किसी ने दिया जलाया ना चराग। मेरा बब बोलता ही रहता था, पर किसी ने उस हनेरी कुट में कभी दिया ना जलाया। उसमें चिड़ियां घोंसला बना के रहती थी। अरे भूल जा राबिया, तू भी जगो वखरी बातें करती है, अब भूल जा सब कुछ। करने दें चाचा जी, करने दें, वो हमसे पिछली बातें नहीं करेंगी तो किससे करेंगी? ओए अपनी डॉक्टरी की सुना, रियाज के अस्पताल की सुना, सऊदी अरब की सुना। सब ठीक चल रहा है जी, नौकरी भी अच्छी है, अस्पताल भी किसी जर्मन अस्पताल से कम नहीं है, बस छुट्टी ही नहीं मिलती। टार है जी टार, सऊदीया के बड़े लोग हैं। चल पुत्र सरफराज, हम कुछ वदायगी की बातें तय कर ले, जा पुत्र अंदर जा। अच्छा बेबे तेरी मर्जी। ओ बैठ सरफराज बैठ। ओ छोड़े चाची जी, नई सदी शुरू हो गई, आप किस जमाने की बात कर रही हैं? ओए कोई पानी तानी, कोई रोटी लस्सी। हाँ है, एक तो सारियों को चा चढ़े में कोई सुनती नहीं है, नी नसीबा नी शादा। हाय हाय जनते, मैं खुद दे। सलमान, सुनी तूने शादाब की बातें? हाँ भाई सलमान, तुम कब आए शालाकोट? मैं सलाम ताया जी, तेरा खुश रहो। पता चला मेरे जान मोहम्मद का? पता तो नहीं चला ताई, पर मैं बहुत सारे लोगों को क्या आया हूँ, जब पता लगेगा वो मुझे खत पत्र लिख देंगे। ओ भाई, अंजुम साहब से पूछना था, वो उनके पास था। उनके पास भी गया था ताया, वो कहने लगे, बस बताया ना, तू फिक्र ना कर, अंजुम साहब ने कहा है वो से लब लेंगे। बड़ा क्रोधी शहर है, जो गया काउ कप, जो इस बड़े दरिया में घुस गया इसी का पानी हो गया। मैंने जान मोहम्मद से कहा था, जब उसने 5वीं जमात छोड़ी थी तो मैंने कहा था उससे, ओए जानू, ओए टोल ना बजाया कर, ये चंद्रा टोल पेट के साथ लगा रहता है, इसके सारे सलाह मशवरे पेट से होते हैं। और शहनाई सीख, इसका हर सांस कल्ब से निकलता है, और टोल तुझे लालची बना देगा। और शहनाई
रब से मिला देगी। बस बस, तू कभी बोला नहीं मंसूर, तू चुप रह, मुझे डर लगता है। ताई, अंजुम साहब बता रहे थे वो खुद जान मोहम्मद को एक मेहंदी पे लेके गए थे, वो ढोल बजाया जानू ने, वो वेले इकट्ठी हुई। बड़ा जींदार है अंजुम साहब, जवानियां हंडाए। वो तो अमरीका भेजने लगा था मेरे जान मोहम्मद को। ओए, बताना था ना अंजुम साहब को कि हम कमी कमीन लोग हैं भले बाबा, वो जान मोहम्मद को शालाकोट भेज दे। किस कदर बदनसीब है, रजिया गांव में रहकर पास नहीं है, ऐसी मरियम बीबी के पास गई है कि इधर का रास्ता ही भूल गई है। भेज देंगे भेज देंगे, अमीना मरी जाता है, आ जाएगा आ जाएगा। लोरदियां वखरी शान है, कुछ दिन गवाचा रहेगा फिर आ जाएगा। मौज मेला देख लेने दे जी भर के। बात हो गया है मौज मेला, चुदरैन ने अलग तंग कर रखा है, पता नहीं क्या हो गया जान मोहम्मद को, मेरी एक नहीं सुनता। और कोई ख्वाब रच बस गया होगा अंदर, तुझे क्या पता सुर और सांप का क्या रिश्ता। सांप कोई बांबी के अंदर नहीं होता, वो सुर के अंदर होता है। हर सांस बजाने वाला सांप को बाहर निकालना चाहता है। कैसा सांप था है? सजिंदा बीज बजाए या शहनाई, सितार बजाए या सुर मंडल, उसके अंदर सुर उस वक्त जागता है जब कोई ख्वाब सप बन के उसके अंदर कुंडल मार के बैठ जाता है, और फिर उस ख्वाब को निकालने के मारे उसके पास एक ही हथियार होता है, और वो है सुर। जूं जूं सुर निखरता है, सांप बांबी से बाहर निकलने की बजाय उसके अंदर गुम होता चला जाता है। ना बोली जा मंसूर, ना बोली जा, मुझे डर लगता है। जिस बांबी को चींटियां छोड़ जाए सांप उसमें जा बसता है, और फिर सांप ऐसी बांबी को कभी छोड़ता नहीं है। ना कमला हुआ, बोली जाई बोली जाई, खुदा का खौफ ना करी। बस तू फिक्र ना करता ही, अंजुम साहब बता रहे थे किसी थाने माने में भी हुआ, चौकी पुलिस का मामला भी हुआ, तो वो तलाश कर लेंगे। क्या मुंह से निकाला है, चौकी पुलिस? मेरा जान मोहम्मद टोलिया है, कोई चोर नहीं, गड़पटे नो बराबर। क्या ताई बराबर क्या हो गया, क्या हो गया? बिस्तर छोड़ मां, मैं आ गया हूं, सारी मेरी जिम्मेदारी अंदर बार, अपना फिक्र उतार फेंक। शुक्र अल्लाह का, मुझे तो फिक्रों ने ही मार दिया था काका। फिक्र कैसा, कोई दाज जहेज नहीं, मैं फूड फैक्ट्री लाया हूं, कंबल लाया हूं, टोस्टर लाया हूं, आप सामान खोल कर तो देखें। मगर ये सब कुछ क्यों? सर जी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शो ही और होती है। बस अम्मा, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई है, आप ये पट्टी उतार कर उठ कर बैठे चले। अम्मा ने तो डरा ही दिया था शादाब भाई। हम सब एक दूसरे को डराने के लिए आए हैं इस दुनिया में, डराए बगैर तो हमारा रो भी नहीं पड़ता, हमारी अहमियत ही कायम नहीं होती। उठे अम्मा,
अब खाली निकाह नहीं होगा इस चंद्री भेड़ का, अब हम इसको बना सजा कर चाचा जी के घर धक्का देने वाले हैं हमेशा के लिए। जा भाई अपने घर। क्या 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 कहा है? मैं सब कुछ तय करके आया हूँ। क्या सब कुछ तय कर रहा हूँ चाचा जी के साथ? क्यों लड्डू फूट रहे हैं ना, फुलझड़ियां चल रही है ना, अब्बा कहा करता अपने शागिर्दों से कि ज्यादा मत हंसो वरना उतना ही रोना पड़ता है। रोने की बारी अब सरफराज चौधरी की नहीं है, रोए उसके दुश्मन अगर कोई है तो। आखिर हुआ क्या है? बड़ी खबर है मेरी जान, बड़ी खबर, फ्रंट पेज वाली। यार बता तो सही, हुआ क्या? कोई लॉटरी निकल आई है क्या? हाँ उम्र भर की लॉटरी। अजीब यार पागल कर दिया, कुछ बताते भी नहीं हो। किने किने जाना है बिलोद कर भाई, सौंप जाना बिलोद कर भाई, किने किने जाना है साथे जाना है बिलोद कर भाई, किने किने जाना है। क्या हुआ? मुझे यकीन नहीं आ रहा ये सब कुछ इतनी आसानी से और इतनी जल्दी तय हो जाएगा। ये सब हजरत कताने की दुआओं का सिला है। फैसलाबाद में दहशतगर्दी की एक वारदात, पुलिस मुकाबले में पुलिसमैन और डीएसपी का कत्ल। ये खबर नहीं है। चौधरी सरफराज की सुर्खी, नाजो मेरे घर में, रुखसती की तारीख मुकर्रर, डॉक्टर शादाब की पुरजोर तकरीर, बड़ों का मुत्तफिका फैसला, रुखसती की तारीख मुकर्रर हो चुकी। मैं इस मौजज़े का इंतजार कर रहा था। मैं भी किसी मौजज़े के इंतजार में था। सलमान तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं बहुत खुशी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सलमान अल्लाह ने एक साथ मेरी दो ख्वाहिशें पूरी कर दी, भाई भी मिल गया और नासो भी। सरफराज मुझे अब घर जाने दो, तुम अब मुकम्मल हो जाओगे। और मुझे खारे कौन चाड़ेगा? मैं। और मुझे क्लीरे कौन बांधेगा? मैं। और मुझे घोड़ी पे कौन सवार करवाएगा? मैं। और मुझे सेरा कौन बांधेगा? मैं। और मेरी बाग पकड़कर आगे आगे कौन चलेगा? कौन? मैं किने जाना है बिलो दे घर, असाते जाना है बिलो दे घर भाई, किने किने जाना है बिलो दे घर, असाते जाना है बिलो दे घर भाई, किने किने जाना है बिलो दे घर, असाते जाना है बिलो दे घर भाई, किने किने जाना है बिलो दे घर भाई, किने किने जाना है बिलो दे घर। Thank you.
ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਦੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਬਿਠਾਈ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਬ ਜੀ ਅੱਛਾ अगर मैं तुझे बता सकूं कि मेरे दिल में कैसी आग है तो तू यही खड़ा खड़ा बस मुझे पहाड़ मेरा दुख सुन ले ना तो वो भी रेजा रेजा हो जाए मैं तो उसे भी नहीं बता सका बताता भी तो क्या भला देख तू सुन रहा है ना हाँ तू मेरे भाई सरफराज से कहना कि मेरी जान सलमान चला गया है आस्तीन का सांप लेकिन अब मैं यहां से हमेशा के लिए रुखसत हो रहा हूं हमेशा के लिए और हां सरफराज से कहना कि हम दोनों ऊपर तले के भाई हैं हबील और काबील का नया रूप लेकिन दूसरे के हक पर हसीबाना कब्जा करने वाले भाई नहीं होते देख तू मुझे माफ कर दे सरफराज की तरफ से माफ कर दे मुझे अपनी मालकिन की तरफ से जिसकी मोहब्बत का जवाब बच्चे तू मेरे पास तो कुछ भी नहीं है तू कह देगा ना उससे सरफराज का आज तो कबाड़ा हो जाना है आज तो अपनी ये नाजो फिल्म स्टार सिद्दीकी नहीं लग रही अभी तो झूमर टीका भी लगना है अन्नी मच जाएगी गुड़ियों जल्दी करो कुछ हदाद कह रहा है संदेशा आ गया पर रात बस चलने ही वाली है जल्दी करो हम भी खाला जी तैयार हैं पूरी देखा है आपने नाजो को हाय अल्लाह नजर ना लगे मेरी थी तो लगती नहीं है आज लगता है चौधरी अब्दुल गफार जैसा जान चढ़ा है ए कुड़ियों ए छेती छेती करो ना जल्दी करो ओए ओए किधर कोई मुंडा शुंडा अंदर नहीं आ सकता लेफ्ट राइट अबाउट टर्न चलो बाहर वो जी मैंने एक नाजोबाजी से बात करनी थी सारी बातें कल होंगी और वो भी चौधरी सरफराज की इजाजत से चलो जमीन क्या बात है
जी मैंने एक बात करनी थी आपसे अकेले में। बुखार इसके दिमाग को चढ़ गया, अब कर लो बात जमील साहब। जिस सोच से जी मुझे सरसाम हुआ है ना जी, जब सलमान भाई तगड़े होके लाहौर जाने लगे थे। ये तो बड़ी पुरानी बात है जमील जी। उन्होंने मुझे खत दिया था वो जी, फिर उन्होंने उसे फाड़ दिया। ये तुमने क्या किया सलमान? वो जी फिर मैंने वो टुकड़े उठा लिए, एक पर लिखा था मैं तुम्हारा क़यामत तक इंतज़ार करूँगा। अभी अभी सलमान भाई मुझे शालाकोट वाली सड़क पे मिले शहर जाते हुए। नहर वाली सड़क पर? हाँ जी, कहने लगे जमील तू शादी पे ज़रूर जाना। सलमान काफी देर से गया हुआ है, घोड़ी लेके नहीं आया, पहले ही देर हो रही है। जाओ देखो उसको बरामद करो जाओ। तू किधर जा रहा है काके? तू तो रमान से बैठ। जाओ यार देख के आओ, जाओ छेती करो, जाओ जाओ। सलमान भाग गया है चौधरी जी। सलमान भाग गया? चोर में दलेरी नहीं होती, जरा सा यरका तो भाग जाता है वो कुएं से। सलमान और चोर? हाँ जी, मैं तो पहले भी आया था आपके पास चौधरी जी, हम खबरदार कर देते हैं, पर आपने बात ना सुनी मेरी। हमने खबरदार कर दिया है चौधरी जी, पर आप समझे शायद दिलावर का कोई अपना लोभ है, कोई अपना फायदा है। क्या बक रहे हो? अकड़ इतनी कि सलाम तक नहीं किया छोटे ने, लय दे के मास्टर का पुत्र। जब आपकी पगड़ी उछालनी थी ना शाला कोट में, तब बल्ले बल्ले होनी थी। सीधी बात करो दिलावर। मैंने उन दोनों को देखा था हवेली में, खिड़कियां दरवाजे नापते फिर रहे थे, शुगल मेला लगा रखा था उन्होंने। किसको किसको देखा था? नाजो बीबी और सलमान को। और किसको? थप्पड़ की कोई बात नहीं चौधरी जी, हमारा पेशा ही ऐसा है, कभी मार लिया कभी मार खा ली। पर आपका व्यवहार और तरह का है चौधरी जी, उच्चे शमले पे जरा सी मिट्टी लग जाए तो दागदार हो जाता है सारी उम्र के लिए।
तो सुनो। तेरी गहरी